हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं फैज़ाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और दोनों पैर से विकलांग हूँ। बात करते हैं शिक्षा विभाग की। मेरी पोस्टिंग 21 नवंबर 2011 जिला बाराबंकी के देवा ब्लॉक में हुई थी ठेकेदार के माध्यम से। मैंने 2014-2015 तक वहाँ पर कार्य किया। उसके बाद ठेकेदार को उसकी सैलरी काटने के संबंध में हम लोगों ने कई बार अवगत कराया माननीय जिला बेसिक शिक्षा विभाग BSA साहब को। उन्होंने कार्रवाई की, उसको हटा दिया गया जो इससे पहले जिसके हाथ में ठेका था वो हटा दिया गया। इसके बाद फिर हम लोग काम करते रहे। माननीय जिला BSA शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग काम करिए। अगला चयन जब किसी ठेकेदार का हो जाएगा तो आप लोग को उसमें समायोजित कर दिया जाएगा। हम लोग इस इंतजार में काम करते रहे, मैं और मेरे काफ़ी साथी लोग काम करते रहे, लेकिन आज तक, अभी 2019 चल रहा, आज तक न किसी ठेकेदार का चयन हुआ है, ना ही कोई कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील भी करी गई, उसका भी कोई नतीजा नहीं आ रहा है। माननीय जिला अधिकारी महोदय से निवेदन भी करा गया, कई बार करा गया। उन्होंने कहा कि ठेके पे थे आप लोग, हटा दिए गए। और उसको कालातीत कर दिया गया जो ठेकेदार था। ठेकेदार कालातीत करने के बाद भी आज भी ठेकेदार ठेकेदारी कर रहा है, अन्य जिलों में कर रहा है, फैजाबाद में है और भी कई जगह उसकी सर्विसेज हैं। कालातीत करने के बाद क्या उसके और भी ठेके जो हैं जहाँ पर उस ठेकेदारी कर रहा है उसको रद्द किया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है। जो जैसे काम चल रहा था वो वैसे चल रहा है।